मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर। पीछे चिल्लाएगी तुम्हें? अम्मा मुझे लड़कियों की साइकी पे अबूर हासिल है, उनसे बात कब और कैसे मनवानी है या मुझ पे छोड़ दे। अब तो बदमाश है। मुझे लग रहा है जैसे मेरी चिन ना मोटी आ रही है और आईज भी पफी पफी लग रही है। नहीं ना, आपको तो वहम हो गया, इतनी फ्रेश इतनी प्यारी लग रही है। वो तो मैं हूँ। लैपटॉप कहाँ से आया? वो बिलाल ने दिया। कह रहा था क्या तुम छोटी सी मोबाइल की स्क्रीन पे ड्रामे देखती रहती हो, इतनी प्यारी आंखें अंधी हो जाएंगी। अच्छा बस 10 बजने वाले, उनकी कॉल आती ही होगी। ओ, आ गई। ये लो, ये लो, लेके जाओ। अस्सलाम वालेकुम। सीधे सीधे अपना सामान उठाओ और 9 to 11 हो जाओ यहाँ से। मैं अच्छी तरीके से तुम जैसी औरतों को जानती हूँ। जहाँ अकेला लड़का देखा, सीधा साधा है, मासूम है, उल्लू बनाओ। मुश्किल में किसी का हाथ पकड़ना सदका जारिया है। ओ बस बीबी, मेरे सामने टीवी में ड्रामा करने वाली औरतों की तरह जज्बाती एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। हमजदा है और तैयारियाँ देखो। अरे क्या तैयारी, मैंने तो बस हल्की सी लिपस्टिक और काजल लगाया है। हैं? आप हटिए, मैं बात करता हूँ। हाँ जरा सख्ती से बात करना, क्योंकि ये सख्ती की ज़बान समझती हैं। ठीक है ठीक है। अम्मी जल्दी आएं, किचन में अंडिया जल रही है। हाँ आ रही हूँ, आप इनसे निपटे, मैं आती हूँ। मैं कर लेता हूँ बात, आप जाइए। जी सॉरी, मेरी बीवी काफी रूड हो जाती है। मैं नूर हूँ। यही नाम होना चाहिए था आपका। देखिए मोहल्ले वाले अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं, हम यहाँ दुबई में बैठे हैं और बिलाल वहां अकेला। मेरे दोस्त अजमत ने आपको छत पर किसी लड़के से, देखिए 40-45 बरस से हम उसी घर के रहने वाले हैं। मेरे बाप के जमाने के लोग हमारे मोहल्लेदार हैं। अब ऐसी बातें, देखिए जिस बच्चे के साथ आपके दोस्त ने मुझे देखा होगा ना, वो तो दरअसल बिलाल का ही दोस्त है। और जब बिलाल मेरे बच्चों की उम्र का है तो जाहिरी बात है उसका दोस्त भी मेरे बच्चों जैसा ही हुआ ना। अब यही तो मसला है हमारे माशरे का कि अकेली औरत के हर कदम पर उनकी नजरें जमी हुई होती हैं। और देखिए अब इस बेहूदा इल्जाम के बाद मैं कोई सफाई नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि अब अगर मैंने अपने लिए कोई सफाई पेश की तो मुझे यूं महसूस होगा जैसे मैं किसी गंदे बदबूदार गटर में खुद अपनी मर्जी से उतर रही हूं। नहीं नहीं, कि मुझसे नहीं होगा। ठीक है, मैं अभी और इसी वक्त इस घर को छोड़ देती हूँ। मुझे नहीं मालूम कहाँ जाना है, लेकिन जहाँ सारी उम्र इज्जत से गुजारी है मैंने, तो अब इस अधेड़ उम्र में मैं। अरे खुद को अधेड़ उम्र तो मत कहिए। अभी निकल जाऊं या कल सुबह? नहीं नहीं, ऐसी भी कोई जल्दी नहीं। आप एक माह ले लीजिए, इंशाल्लाह इस दौरान आपके लिए कुछ बेहतर बंदोबस्त हो जाएगा। 10-15 दिन तक मेरा भी कराची का चक्कर लगेगा। प्रॉपर्टी के कुछ इश्यूज हैं, आपसे भी बात हो जाएगी, मुलाकात भी हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कोई नया चांस चढ़ने वाला है। हाय अल्लाह अम्मी, बहुत थकन हो गई है मुझे तो। बड़ा ही बेकार हॉल था भाई। उनोशाद भाई की लड़की थी ना रबिया, उसकी शादी पे कितना शानदार हॉल था। जून जुलाई की गर्मी में यूं लग रहा था, इतने एसी चल रहे थे जैसे कि हम मरी में बैठे हो। और फिर वापसी पे हर मेहमान को एक गिफ्ट का टोकरा जिसमें
ड्राई फ्रूट, चॉकलेटें, फल ठसा ठस भरे हुए। खानदानी लोगों की भी बात ही और होती है। उफ, ये लोग तो बड़े ही गवानी टाइप हैं। मैं तो इनकी औरतों की तैयारी देख के हैरान रह गई थी। उनके कपड़े ही जेवर, मेकअप, उफ, आज के जमाने में कौन ऐसा गोला गंडा बनता है। और वो औरत देखी शॉकिंग पिंक रंग की साड़ी पे, लाल लिपस्टिक लगाई हुई थी उसने। खुदा की कसम, बिल्कुल डायन लग रही थी अम्मी। देखी थी, हाँ मैंने देखी थी। ऐसे ही होता है जब बाहर आउटडोर इश्क हो, तो फिर ऐसे ही नमूने हाथ लगते हैं। आउटडोर इश्क, अरे वाह अम्मी, इतना कैची नेम है। बल्कि अपने फेसबुक पेज पे यूज करता हूँ, बल्कि आउटडोर इश्क का कोई सेगमेंट बनाता हूँ। भैंस के गोश्त की बिरयानी थी, मेरे तो मसूड़ों की रेड लग गई। तो आपको क्या जरूरत थी इतना गोश्त उड़ाने की? वैसे मैंने एक बात नोट की है, शादियों में आप गोश्त को देख के बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। वैसे मैंने भी एक बात नोट की है रिजवान, शादी के बाद तुम बहुत ही बदतमीज हो गए, कोई लिहाज नहीं रहा है तुम्हें। लो भाई, जाग गई मिस फरद सुल्ताना। किसके मुंह लग रही है फरद? अरे मेरे यूट्यूब चैनल के पूरे 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं और एड्स भी माशाल्लाह खूब आ रहे हैं। मैं कहती हूँ तुझसे ये खेल तमाशे छोड़, किसी नौकरी पर लग। नौकरी पे ये हवाई रोजी आज है कल नहीं। अरे अम्मा आपको क्या पता, ये आगे आने वाली दुनिया सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद होकर रह जाएगी और ये जितने भी आपके टीवी शोज और ड्रामे हैं ना, सब बंद हो जाएंगे। सलामी के पैसे कहाँ हैं? उसी के पास है। उसी के पास क्यों है, तेरे पास क्यों नहीं है? चल चल जा लेकर आ, चल उठ उठ। मैं ग्रीन टी बनाने जा रही हूँ अपने लिए, कौन कौन पिएगा? मेरे लिए भी बना देना और जरा सा नींबू भी निचोड़ देना। मैं भी पीऊंगा। मैं तो भाई दूध पत्ती पीऊंगी, इतना खाया ही नहीं कि हाजमे के लिए ग्रीन टी की जरूरत पड़े। वैसे तो एक एक ने तारीफ की थी खाने की। हाँ भाई, खाना तो वाकई बहुत अच्छा था। पहले नंबर पे कोरमा, दूसरे नंबर पे खीर और तीसरे नंबर पे बिरयानी, मजा आ गया। मिर्चें बड़ी तेज थी। बेचारे जो अल्सर के मरीज होंगे ना, उनकी तो अल्लाह ही खैर करे। सलामी के पैसे उसूलन, बल्कि असूलन क्यों, हमारे यहाँ तो रिवाज है कि सलामी के पैसे लड़के वालों की मलकियत होते हैं। मेरे वक्तों में भी यही हुआ था, मैंने भी सारे पैसे नाहिद की अम्मी के हाथ पे रख दिए थे। जी तो आप ले लीजिए ना, अब हमारे बीच में तेरा मेरा कब से होने लग गया। मैं ले आती हूँ, आप रख लीजिए। बड़ा ही तंजिया स्टाइल था ना? भले मिर्चे लगे, हम तो भी वही करेंगे जो हमारा दिल चाहेगा। अरे लड़के वाले तो किस किस चीज के तलबगार नहीं होते, मोटरे मांग लेते हैं, जायदादें मांग लेते हैं, और हम चुगत, हमने कोई डिमांड ही नहीं की। अब अल्लाह करे सलामी के पैसे इतने हों कि फरहत के लिए फ्रिज या टीवी आ जाए, बस। आमीन सुम आमीन। देखो तो सही, क्या क्या है मेरा यूट्यूब चैनल, ये क्या होता है ये? अरे मिलाल आओ आओ। अब्बा का फोन आया था, कह रहे थे कि आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, आपका नंबर मांग रहे थे, फिर कहने लगे कि आपसे पूछ कर दूं। हाँ तो दे दो। जी ठीक है। वैसे तुम्हारे अब्बा जी बड़े सुलझे हुए लगे। जी अलबत्ता तुम्हारी अम्मी बड़ी सख्त मिजाज की लगती। जी अम्मी हैं कुछ सख्त, बल्कि खासी सख्त हैं। दुबई का नंबर? तो अब्बा का ही होगा। हेलो जी, वालेकुम सलाम। जी जी सब खैरियत है? नहीं बिलाल बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ख्याल रख रहा है हमारा। नहीं किसी चीज की तकलीफ नहीं है। अब्बा ने तो कुछ ज्यादा ही एफिशिएंसी दिखा दी। कौन लोग हैं ये, कहां से आए हैं, कहां की मखलूक हैं ये? इस रिस्वान के बच्चे ने तो हमें फंसा के रख दिया। ये एक लिफाफा रह गया था। हाँ तो इसमें कौन सा लाखों होंगे? 210 रुपए। लानत हो बेशुमार, जन्म रसीद हो। अरे अम्मी आपको तो बीपी हाई हो रहा है, अपना चेहरा देखे जाके आईने में बिल्कुल सुर्ख हो रहा है। हमने 1000 रुपए से कम दिया है कभी किसी को? रबिया की शादी पर मैंने खुद लिफाफे खुलवाए थे अर्जुमन भाभी के साथ मिलकर, 2000-5000 से कम नहीं दिया किसी ने। ये
ये तो बमुश्किल 8-9 हज़ार रुपए होंगे, शायद उससे भी कम। मैं कहती हूँ ले जाइए पैसे, जाए अपने पास ही रखे, या फिर अपनी उस बेहुदा माँ और चपरासी बाप के लिए कफन खरीद ले। अरे छोड़ दे अम्मी, वो तो अपने घर वालों का नीचपन भूल के ना हमारी लालच के डंके पीटेगी। पी जाए, खामोश रहे, अल्लाह ना सबर करने वाले का साथ देता है। फर्नीचर भी इतना घटिया दिया है। मैं बता दूं, मैं नहीं लेके जाऊंगी ये फर्नीचर, भले आप मुझे कुछ ना दो। चुप कर, ले जा जो हाथ लगता है। आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। जो कहना है फरहत के सामने, बेटी है इस घर की। मैं अपना जहेज फरहत आपा को देने के लिए तैयार हूँ, और खुशी खुशी तैयार हूँ, लेकिन मुझे एक फेवर चाहिए। मैं अपनी तनख्वाह अपने घर वालों को दूंगी, क्योंकि हमारे घर के हालात खासे खराब हैं, और अगर मैंने इस वक्त उनको सपोर्ट नहीं किया तो फिर उनकी जिंदगी मुश्किल बन सकती है। तुम्हारा तो अपना मर्द नहीं कमाता। रिजवान से बात हो गई है, उसे कोई एतराज नहीं है। जो लड़कियां शादी के बाद भी अपने माँ बाप का पेट पालती हैं ना, वो उन्हें बेगैरती की राह पर डालती हैं खुद। अच्छा, और अगर यही पैसा मैं इस घर पर लुटाऊं तो क्या? ये तुम्हारा फर्ज है, किसी पर एहसान नहीं करें। ये बैठी है ना फरहत, अपना कमाती है, सरकारी स्कूल में मुलाजिम है, 40-42 हज़ार तनख्वाह है, शादी के बाद भी कमाएगी। हमने इसकी ससुराल के सामने कोई शर्त नहीं रखी कि हम शादी के बाद भी इसकी कमाई खाएंगे ठूसेंगे। हे लड़की, यहाँ रहना है तो इंसान की बच्ची बनकर रहो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बेटी पैदा किया, बेटा बनने की जरूरत नहीं है। मुझे तो पहले ही अंदाजा हो गया था तुम्हारा भी और तुम्हारे खानदान का। देखा देखा कैसे तेवर दिखा के गई है ये? इसके तेवर तो मैंने कहा। ये लिफाफे संभाल लेना, काम आएंगे। दिन दिन पे नाम लिखा है उसके ऊपर स्टिकर लगा। उठो समान, उठो। अरे उठो भाई, बहुत सो ली तुम। सुने, मेरे लिए भी चाय बना दीजिएगा। अच्छा जी। कौन है ये पागल? दुबई वाला पागल है। फिलहाल क्या बा? शुरू शुरू में ऐसे ही होता है। इस्लाही इस्लामी मैसेजेस, जुम्मा मुबारक, वो सारी अच्छी अच्छी बातें जो सिर्फ मैसेजेस पर की जा सकती हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में अपनाने की तो ना किसी में हिम्मत है ना हौसला। अब ये शेर गौर तलब। दश्त तो दश्त ही, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। इसका क्या मतलब हुआ? घोड़े भेजे वाले शेर क्यों भेज रहे हैं वो आपको? और ये मैसेज सुनो। कैसी हैं आप? खुदा आपको हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराता रखे। इसका मतलब अब बिलाल के अब्बा हमें 1 महीने की बजाय 3 महीने का मार्जिन देंगे। बात अब कहीं नहीं रुकेगी। जैसा सोचो जैसा समझो, मर्द उससे भी ज्यादा बेवकूफ और घामड़ निकलते हैं। अरे फिल्म की पहली रील में ही आगे की सारी कहानी समझा देते हैं। अरे भैया कुछ तजस्सुस तो छोड़ो। लेकिन नहीं, घिन भी नहीं आती इनको अपने तरीके वारदात से। चलो मैं जा रही हूँ चाय बनाने, आ जाना। कैसे हो बिलाल भाई? हाँ ठीक हूँ। जिम करके तो बड़े डोले शोले बना लिए।
हीरो वीरो तो नहीं बनना तुम्हें? नहीं नहीं। अरे ये किन दो नंबर लोगों को रख लिया है बिलाल भाई? वो जो आंटी है ना जिस ब्यूटी पार्लर में काम करती है, उस ब्यूटी पार्लर की रेपुटेशन तो बड़ी खराब है। तुम्हें क्या गवर्नमेंट ने लोगों की इंक्वायरी करने के लिए भर्ती किया हुआ है? अपनी औकात में रहो। अरे पूरा मोहल्ला ही बोल रहा है कि दो नंबर फैमिली है। ओए तमीज से, उठा के फेंक दूंगा तुझे। अच्छा तुम्हारे दोस्त की सेटिंग नहीं चल रही उस औरत से? बताओ ना। ये लो बेटा, तुम्हारा गर्मा गर्म अंडा पराठा। आपको तो इतनी तौफीक दी ना हुई कि झूठे मुंह ही पूछ लेते हैं दो चार पापों से भला क्या बनेगा तुम्हारा। नाराजगी अपनी जगह पर, पराठा खाने में तो कोई मजायका नहीं ना। नहीं भाई, वो मर्द तो अल्लाह मियाँ ने खुश नसीब बीबियों के हक में ही लिख दी है। हमारे हिस्से में यही आए सड़ियल वाले, जिन्हें एक बात कह दो तो ऐ भी औरतों की तरह मुँह फुला कर बैठ जाते। अल्लाह माँ, आपने तो सुबह सुबह पापा को पूरा लेक्चर दे डाला। जाइए दो मीडियम साइज के पराठे बनाकर लाइए हमारे लिए। अम्मी दो क्यों, एक खाइए ना, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अच्छा बस, सुबह सुबह मेरी बीमारियों की तशहीर करने की जरूरत नहीं। वैसे गर्लफ्रेंड कैसी है आपकी? अच्छी तो है, टेलीफोन नंबर तो जरूर दिया होगा उसने, है ना? ले आता हूँ पराठे। अजीजा सुल्ताना को अच्छी तरह मालूम है कब किसकी दुम पर पांव रखना है। हमारे अब्बा ही बेचारे हैं जो इतने सीधे हैं। अपने बेटे को देखा है, चलता पुरजा है पूरा। हाँ तो अच्छी बात है ना, आज के दौर में ऐसे ही लोग चलते हैं। वो आ रहे हैं आज तुम्हारे सास ससुर, सोच रही हूँ पसंदे बन मालूम इनसे कह। एक तो तुम्हारे ससुर हर वक्त मुझे फोन करते हैं, अभी मैं कितनी बातें करूँ उनसे। पूछ रहे थे बहू खिदमत विदमत करती है या नहीं, मैंने भी सड़के कह दिया खाक नहीं करती। तो आपको अच्छे भी तो लगते थे ना। ये क्या बदतमीजी है, वो बड़े छोटे का लिहाज है या नहीं? तुम क्या दो पराठे खाओगे? हो सकता है। अरे मोटी हो जाओगी, शादी आने वाली है। बस एक पराठा खाइए। आज तो तुम्हारी फेयर नहीं है। बेस्ट ऑफ थ्री खेलोगे? बेस्ट ऑफ सेवन खेले। देखा आ गए ना उसे। अरे बिलाल आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तू यार मेरी रुखसती पे भी नहीं आया। समन को उसकी दोस्त के यहाँ छोड़ने गया था, उसने अंदर बुला लिया, वो गपशप होती रही, टाइम का पता ही नहीं चला। जब याद आया तो बहुत देर हो गई थी। कसम से बड़ा तोता तशम है तू। खैर अच्छा ही हुआ नहीं आया, बड़े अजीबो गरीब किस्म के रिश्तेदार हैं उनके। मुंह से कम बोलते हैं, हवा में थूक ज्यादा उड़ाते हैं। और यकीन मानो तेरा भाई वहां पे सबसे ज्यादा प्यारा हैंडसम लग रहा था। अंधों में काना राजा। खैर अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, फट से बेइज्जती कर दी आपने। सुनो ये तुम आजकल के लड़के लड़कियों ने ये बेइज्जती क्या लफ्ज निकाला है? पहले ही उर्दू का जनाजा निकल चुका है, ऊपर से बेइज्जती। बेइज्जती कहने में कौन से हाथी घोड़े लगते हैं? यार जो तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ बोल। मैं चली जाऊँ? नहीं आप बेशक बैठी रहें। नहीं ठीक है, तुम लोग आराम से बैठ के बात करो, मैं चली जाऊँ। क्या हुआ? यार देख रिजवान, इस मोहल्ले के औरतें बच्चे बूढ़े सब CIA के एजेंट हैं, और जब से ये मोबाइल शुबाइल आए हैं ना, कोई भी बात हो दुनिया के आखिरी कोने तक फौरन पहुंच जाती, और यहाँ की एक एक बात बाहर जाती है। और इन लोगों को ये तक पता होता है कि जब मैं सुबह दूध लेने के लिए बाहर गया मैंने कितने छोटे छोटे शॉर्ट्स पहने हुए थे, और समन बालकनी में खड़ी थी तो उसने दुपट्टा पहना था या नहीं पहना था, और नूर आंटी को बाहर छोड़ने गाड़ी में कौन आया था? कौन आया था? अरे यार उनकी कोई दोस्त आई थी पार्लर की उनको छोड़ने के लिए। देख मैं यहाँ तुम्हें इन लोगों की मेंटेलिटी बता रहा हूँ। देख मैं जानता हूँ तुझे बुरा लग रहा होगा, मुझे भी तुम्हें कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन रिजवान मैं तुम्हारा यहाँ पे रोज रोजाना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो यहाँ के लोग उनको भी तुम्हारे यहाँ पे आने पे ऑब्जेक्शंस, और ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से नूर आंटी और समन को भी। और तुम जानते हो अब्बा ने बड़ी मुश्किल से एक महीने की मोहलत दी, लेकिन तुम रोज आते रहे ना तो मोहल्ले वाले दो चार दिन में इन लोगों को यहाँ से निकलवा कर दम लेंगे।
तो तू नहीं चाहता कि मैं आऊं, तुझे बुरा लगता है। साफ साफ कह देता ना यार, ये अपने मोहल्ले वालों को लपेटने की क्या जरूरत थी। यार देख, तू बिना वजह इमोशनल हो रहा है और तू बिना वजह जेलस हो रहा है। मैं क्यों जेलस होने लगा? क्योंकि तू अच्छी तरह जानता है कि मैं और नूर, जाहिर है तू क्यों चाहेगा कि तेरी होने वाली सास और मैं, यार छोड़ नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। लेकिन मेरी एक बात गौर से सुन ले, मैं नूर का पीछा नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा चलो दूर से ही दिखा दो, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि मेरे हाथों में हाथ दो। दे सकती हूँ अपना हाथ आपके हाथों में, मेरे बाप की उम्र के, बाप जैसे हुए ना। बाप मैं और बाप जैसे में बड़ा फर्क होता है। खैर छोड़, लव हाथ दे। भाई मैं तो कबाब ही खाऊंगी, पता है पिछली मर्तबा भी मेरा हाथ नहीं रुक रहा था, इतने मजे के कबाब थे। भरत मैंने सोचा था कि मैं तुमसे खाना नहीं बनवाऊंगी, मेरे घर में खाना बनाने वाली आती है ना, और बहुत अच्छा खाना बनाती है वो, लेकिन जब से मैंने कबाब खाए थे मैंने अपनी राय बदल दी है, खाना तो तुम ही को बनाना पड़ेगा। वो दरअसल ना ये पढ़ने पढ़ाने वाली बच्ची है तो खाना पकाने पर मैंने कभी जोर दिया ही नहीं, ये चौकियाँ बनाती है कबाब वगैरह। तो आपके घर में खाना कौन बनाता है, आप या आपकी बहू? अब्बा बनाते हैं। अब मैं मैं ही बनाती हूँ। इनके अब्बा तो ऐसे ही कभी तफरीहन वो जो मर्दों वाली चीजें नहीं होती, कढ़ाई बना ली, भुनावा कीमा बना लिया, तो वो बना लेते हैं। वैसे मैंने अपनी बहू को बहुत सख्ती से मना कर दिया, वो जमाने चले गए जब औरत का मकाम बावर्ची खाना हुआ करता था। मैंने उससे कहा है कि तुम अपने शौहर को वक्त दो या फिर अपनी नौकरी को। खाना पकाने के लिए हम जो है। सर ढको, सर ढको। कोई अकल वकल है या नहीं? मैं तो दुपट्टा ठीक करी थी आपके कहने के मुताबिक। अच्छा आप लेकर जाओ, कपड़े साफ करवाओ, इनके चाय का दाग रह जाएगा वरना, बहुत कीमती कपड़े लग रहे हैं भाई साहब के। माफ कीजिएगा भाई साहब, ये बस लड़की, ये बस आजकल के बच्चे, चाय मैं बना के आई थी, इसे तो बस प्यालियों में डालनी थी, लेकिन नहीं, बदहवासियां। कोई बात नहीं, रहने दीजिए ना, हो जाता है अक्सर। हेलो। हाँ बोलो रिंस। नूर सिर्फ एक बात कहनी थी, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। I love you, I love you नूर, I really love you।
तुम्हारी आंखें इतनी रोई रोई सी क्यों? नहीं तो काजल नहीं लगाया, सुरा से लग रहा हूँ। तुम्हें पता है मैं बहुत अच्छा पार्टनर हूँ, हाथ बहुत अच्छे देख सकते, दिखाओ जरा अपना हाथ। अच्छा चलो दूर से ही दिखा दो, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि मेरे हाथों में हाथ दो। दे सकती हूँ अपना हाथ आपके हाथों में, मेरे बाप की उम्र के बाप जैसे हुए ना। बाप मैं और बाप जैसे में बड़ा फर्क होता है। खैर छोड़, लव हाथ दिखा। Okay. तुम्हारी शादी ज्यादा उससे चल नहीं पाएगी, इस घर को बसा नहीं पाओगी, और उसके बाद तुम्हारी शादी मेरी ही उम्र के किसी आदमी से लिखी है, तुम्हारे हाथ में। बैठे बैठ जाइए। तुम्हारी शादी ज्यादा उससे चल नहीं पाएगी, इस घर को बसा नहीं पाओगे, और उसके बाद तुम्हारी शादी मेरी ही उम्र के किसी आदमी से लिखी है, तुम्हारे हाथ में। काश मैं तेरे हसीन हाथ का ये कंगन होता, बड़े प्यार से, बड़े चाव से, बड़े मान के साथ अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको, और बेताबी से फुरकत के खिजा लम्हों में तो किसी सोच में डूबी घुमाती मुझको। मर्दों और लड़कों का यही रोना है, काश अल्लाह ताला मर्द को ऐसी ही औरत अता फरमाता जो एक खूबसूरत जिस्म की मालिक होती, उसके अंदर जान नहीं होती, एक कंगन की तरह खूबसूरत लेकिन बेजान। क्यों इतनी कड़वी बातें कर रही है? तो भैया और क्या करूं, एक अंधेरी बंद गली में आके खड़ी हुई हूं, ना आगे जाने का रास्ता है ना पीछे जाने का। एक छोटा सा पार्लर भी होता ना तो इस खज्जल खारी से मैं बच जाती। आज ही शैला से बात हो रही थी, साथ ही काम करती है मेरे, कह रही थी एक छोटे सेटअप के पार्लर के लिए भी कुछ 6.5-7 लाख। चलो मैं कहती हूँ 4-4.5 लाख भी हूँ तो मैं अपना काम चला लूंगी, क्लाइंट्स तो मेरे पहले के बने हुए हैं, मुझे लगता है 1 साल के अंदर अंदर ना पार्लर फायदे में आ जाएगा। इतने अरसे से काम कर रही हूँ मैं, इतना तो मुझे पता ही है। पता नहीं आपको मेरी बात पर यकीन आएगा या नहीं, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, आपको परेशान नहीं देख सकता मैं,
मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, बिल्कुल रोने वाला हो जाता हूँ। तो रिज करो ना, ये खाली खुली हमदर्दी से मेरा कुछ नहीं बनेगा। मुझे नहीं पता, जो कुछ भी है तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, प्लीज मेरी खातिर। जल्दी से सारा काउंटर साफ करो और जैसे ही गेस्ट आए मुझे इन्फॉर्म करना। सुनो, सर की वाइफ का इंतकाल हो गया है, मुझे भी दो दिन पहले ही पता चला। हालांकि अब तो इंतकाल को भी अरसा हो गया। किसकी? अरे यही अपने कैफे वाले आरिफ सर की। हाँ हाँ, मुझे फैसल ने बताया, बहुत पुरानी बात है। अच्छे इंसान है, बोलते भी कम है, हैं भी बड़े डैशिंग, बस एज जरा ज्यादा है। एक बेटी है, मैरिड कनाडा में होती है। कसम से अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई होती ना तो मैं तुम्हारी शादी करवा देती। अच्छा, तुम शादी कर लो अपने मंगेतर को छोड़ के। काश। तुम्हारी शादी ज्यादा अच्छे चल नहीं पाएगी, इस घर को बसा नहीं पाओगे, और उसके बाद तुम्हारी शादी मेरी ही उम्र के किसी आदमी से लिखी है, तुम्हारे हाथ में। हाल वाला कोता। अब्बा, आप तो एक महीने बाद आने वाले थे ना। बस यार, जल्दी आ गया, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? अच्छा क्यों नहीं लगेगा, वो बहुत अच्छा लगा। बा गुड। ये अशरफ के समोसों में वो वाली क्वालिटी नहीं देखी, तेल की जगह लगता है पेट्रोल डालने लगा। हाय हाय, पेट्रोल क्यों डालने लगा, इतना महंगा हो गया? फिर मिट्टी का तेल डालता होगा। अरे भाई, हलक से नहीं उतर रहे। अच्छा बात सुन, ऐसे कर, वो इलेक्ट्रिशियन तेरे कमरे में पंखा ठीक कर रहा है ना, उसे दे आ ये समोसे, गरीब का बच्चा दुआएं देगा। ये चल, रहने दे रहने दे रहने, कब्बों को डाल दूंगी, बिला वजह उसकी आदतें बिगाड़ने का क्या फायदा, इससे रिस्क में बरकत भी होती। नहीं आप भी ना, आपने ना इन बेकार बदमजा समोसों से ना सवाब कमाने के सारे ऑप्शन ढूंढ रखे हैं। अल्लाह सराहो। मुंह पे 12 क्यों बज रहे? अरे भाई, कार्ड छपाने गया था शादी के, आराम बाग से लेके यहाँ तक 2 घंटे लग गए, इतना ट्रैफिक के पूछो मत। भाई बहुत चिड़चिड़े हो गए, बहुत जल्दी मूड खराब हो जाता है, वो भी छोटी छोटी बात पर। और फिर क्या जरूरत थी आराम बाग से कार्ड छपाने की? हमारी खानदान की हर शादी के कार्ड अजीज भाई के प्रिंटिंग प्रेस ही छपे हमेशा। आपका खानदान न हुआ, मलका बरतानिया का खानदान हो गया। यूं नथरे फुला फुला कर कह रहे हैं हमारे खानदान। अम्मी आपको ना कॉमेडियन होना चाहिए था, इतनी अच्छी नकल उतारती हैं आप सबकी। अरे अब्बा, प्रिंट होके आगे कार्ड सिखाए ना मुझे। सादा और खूबसूरत। अल्लाह माफी, ये शादी का कार्ड है या किसी के 40वें और सोयम का? और अब्बा, ये मेरा नाम क्या लिखवाया है? फरहत बानो नाहिद। आपको पता है मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपने शनाख्ती कार्ड पे अपना नाम फरहत खान लिखवाया है। हाँ, यूं लग रहा है जैसे 3 औरतों की मुश्तरका शादी, फरहत बानो नाहिद। मैं अब तो कार्ड प्रिंट हो गए बेटा, कुछ नहीं, हमने तो तुम्हारा नाम फरहत बानो नाहिद ही रखा था। मुझे नहीं पसंद ना, आज तक अब्बा ने जो भी काम किया ना उसे सिर्फ बिगाड़ा है। तो शाबाशी दो ना अपनी माँ को, जिसने सबर शुक्र के साथ सारी जिंदगी गुजार दी, और वो भी कोई शिकवा किए बगैर। वरना इनके यहाँ की औरतें अच्छे भले शौहरों को जहनी मरीज बनाती हैं और फिर जगह जगह ढिंडोरा पीटती हैं अपनी मजलूमियत का। उसे कह दे के जेवर निकाल के दे दे,
ऐसा ना हो कि वो ऐन वक्त पे मुकर जाए। इन इलाकों की लड़कियों का ना कोई भरोसा नहीं होता, कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती इनसे। काम कोई ढंग से ना हुआ साथ। अरे वाह, बहुत खूबसूरत हैं आपकी ये अंगूठियां। लगता है आपको बहुत शौक है अंगूठियों का। ये दरमियान वाली डायमंड है ना? ये? अरे कहाँ, मेरी कहाँ औकात डायमंड की। ये सारी अंगूठियां 150 से 250 तक की होंगी, लेकिन आपकी उंगलियों में आके और कीमती हो गई। शायद कोई नहीं पहनाता तो। आप जल्दी में आपके लिए ऊद खरीद लिया मैंने। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी खुशबू बहुत पसंद आएगी। अरबी शहजादियां तो जान देती हैं इस खुशबू पर। अच्छा, ओह, ये चॉकलेट्स देख के तो समन दीवानी हो जाएगी। चाय नहीं पिलाएंगे हमें? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी बना के लाते हैं। पता नहीं, मेरा दिल कहता है कि जब ये हाथ किसी को छूते होंगे तो खांसी बन जाता होगा, जैसे कि चाय। क्या नाम है तेरा? रिजवान, इधर आ, इधर आ। हैं? मैंने तेरी बीवी को इतना भारी सेट इसलिए नहीं चढ़ाया था कि वो उस पर खजाने के शीशनाग की तरह बैठ जाए। वो जेवर भी चाहिए और उसके हाँ का भी। जब तू कमा के देगा उसे तो और बना देना, हम किसी का हक मारने वालों में से नहीं है। फरहत की शादी अगर अपने खानदान में हो रही होती ना तो और बात, अब परायों में लड़की दे रहे हैं, ये दुनियादारी तो करनी पड़ेगी। आप मुझसे क्या घरेलू औरतों वाली बातें शुरू कर देती हैं? मैं क्या कोई घरेलू औरत हूँ? ये जो टीवी पे उल्टे सीधे ड्रामे आते हैं ना, उन्होंने आप औरतों को तबाह कर दिया। यानी मर्दों के किरदार तो लिखने आते ही नहीं है ड्रामा लिखने वालों को। बस बस चुप कर जा, मैं नहीं देखती ये ड्रामे श्रामे। ये तेरी बीवी जब भी घर में होती है ना तो टीवी में घुस के बैठी होती है, इसीलिए कह रही हूँ उससे जेवर मांग ले, वरना ये 4-5 लाख का खर्चा अपने पल्ले से करना पड़ जाएगा। 4-5 लाख का जेवर होगा वो? हाँ, हो सकता है ज्यादा का ही हो। उसकी पुत्री ने जो उसको सेट चढ़ाया था ना, वो तो बहुत ही भारी था।